अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैट उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको 3D के कोर कमांड बताने जा रहा हूं, टैबलेट सर्फ के नाम से। उसका नाम है टैबलेट सर्फिस। करता क्या है बेसिकली, आपसे एक पाथ ले लेता है, आप उसको एक पाथ दे देते हो, उसके ऊपर वो अपना फंक्शन अप्लाई कर आपको देगा। तो डिस्टेंस बहुत इजी ऑप्शन है, यूज होने वाली ऑप्शन है। आई स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, ऑटो कैट अपना ओपन कर लें। अब देखें, मैंने ऑलरेडी ऑटो कैट ओपन किया हुआ है। याद रखिएगा डिस्टेंस, मैं आपको फिर बताता चलूं, अगर आप अभी तक 3D पे नहीं आए हैं तो देखें, आपको टॉप पे क्लिक करें तो आप 2D पे होते हैं। यहाँ पे यानी कि आप एक्स और वाई पे होते हैं। यहां से आप आ जाए सीधा SW एस्टोमेटिक व्यू पे आ जाए। आपके पास ये एस्टोमेटिक व्यू आ चुका है। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ड्रॉ के अंदर जाएं, सरफेस में जाएं, तो आपके पास जो ऑप्शन आती है यहां पे वो है टैबलेट सरफेस। देखिए, आप ड्रॉ के अंदर गए हो, आप ड्रॉ के अंदर गए हो, सरफेस में चले जाएं और ये आपके पास आता है टैब सरफेस। ठीक है, टैबलेट सरफेस। अब इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, किस तरह से काम किया जाता है, आए देखते हैं हम। इसके लिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया, फर्स्ट करें मैं F8 कर देता हूं, ये मेरे पास बिल्कुल सीधी लाइन आ चुकी है। और दूसरा ऑब्जेक्ट मैं ये ले लेता हूं, मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट ये ले लिया। अब आप करेंगे क्या, आप ड्रॉ के अंदर जाएं, सरफेस पे जाएं, टैबलेट सरफेस पे जाएं। आप पहला क्लिक इसे करेंगे और दूसरा क्लिक आप इसे कर देंगे, तो जितनी ये होगी उतना ये निकल कर आ जाएगा। देखें, अब ये शेप आपके पास उतनी आगे निकल कर आ चुकी है। तो ये टैबलेट सरफेस का बेसिकली टोटली जो लॉजिक है वो यही है। फिर देखिए, यहां पे किसी तरह की भी शेप हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर पॉली लाइन ले लेता हूं और 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि अप एंड डाउन शेप्स बना लेता हूं। अब इसको इन दोनों में से एक चीज को मैं 90 पे ले जाता हूं, 1 पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट 90 मैंने टाइप कर दिया। अगेन आप ड्रॉ के अंदर जाए, सरफेस पे जाएं, टैबलेट सरफेस पे चले जाएं। इसका एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है। तो देखा आपने, अब क्या हुआ, आपका ये जो अप एंड डाउन शेप थी ये इसकी लेंथ के मुताबिक आगे निकल कर आ चुकी है। इसी तरह से अगर आपके पास यहां पर कोई सर्कल नुमा शेप है, या मैं एक पॉली लाइन ले लेता हूं और यहां से मैं ए से आर्क लगा लेता हूं, अगेन मैं एल एंटर कर देता हूं एल से, तो ये मेरे पास लाइन आ चुकी है। अब मैं अगेन ड्रॉ के अंदर जाता हूं, सॉरी मॉडिफाइड के अंदर जाता हूं, 3D ऑपरेशन और रोटेट 3D, सिलेक्शन दी, एंटर कर दें, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, और 90 की वैल्यू दे दें। देखें, कोशिश करें जब आप कोई शेप बना रहे हो, ज्यादातर डायग्राम्स में आपको टैबलेट सरफेस में एक चीज को 90 के अंदर रखना जरूरी होगा, तो इसलिए मैं हमेशा इस चीज को 90 पे रख रहा हूं। अगेन आप ड्रॉ के अंदर जाए, सरफेस के अंदर जाएं, टैब सरफेस पे आ जाएं, इसे बोलें ये शेप इसके मुताबिक आगे ले जाओ। अब देखें, वही शेप इसके मुताबिक आगे लेकर आ जाएगा, यानी कि इस तरह की शेप बनाकर आपको ये दे देता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस शेप को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हो, लेट्स से मैं पॉइंट लाइन ले लेता हूं, मैंने दे क्लिक किया, ये उन्हें क्लिक कर दिया, अब क्या होगा, ठीक है। अब मैं एक शेप यहां पर बना लेता हूं, मैंने एक पॉइंट दे दिया एक्स एट द रेट एक्स जीरो वाई जीरो जेड से देता हूं, तकरीबन 50 फीट की वैल्यू देता हूं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप ड्रॉ के अंदर जाएं, आप सरफेस पे जाएं और टैबलेट सरफेस पर आ जाए। मैंने इसको कहा एक पॉइंट यह दूसरा ये है, तो देखिए ये तो बिल्कुल सीधा चला गया। ये क्या, हमें तो इसको टेढ़ा मेढ़ा लेके चलना था, तो वो कैसे लेके चलेंगे। अब उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको उल्टा काम करना होगा, यानी कि इसके अपोजिट जाना होगा। अब आपको बताना होगा इसको आगे लेके जाओ इसके मुताबिक। तो देखें, अब आपके पास क्या हुआ, वो शेप बनी आ गई। अगर मैं इसको यहां पे मूव कर दूं डियर स्टूडेंट्स, और मैं अपने टैब सरफेस जैसे मैंने पिछले सेंस के अंदर बढ़ाए थे, टैब सर्फ टैब सर्फ टैब वन
इसमें अगर वही डिफॉल्ट दे दूं, 6 दे दूं, तो अब क्या होगा? ड्रॉ के अंदर चले, सरफेस पे जा जाए, टैबलेट सरफेस पे आ जाए, इसे कहें ये शेप, इसके दबा के ले हो। तो देखें इसमें क्या होगा, इसके यहां से देखें इसके एजेस कम आ जाएंगे, जबकि आप इसको अगर यहां पे देखें तो ये आपके पास बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, गोल जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज होती है, जितने ज्यादा आपके सरफेस कम होंगे या ज्यादा होंगे उतनी आपकी शेप दाएं से बाएं मूव कर कर आपको दे देगी। इसी तरह से एक और इसके एग्जाम्पल में आपको देता चलूं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लाइन है, मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, मैंने यहां पर एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं, एट द रेट मैं इसको देता हूं 18 इंच, और अगेन 18 इंच, मेरे पास ये शेप आ चुकी है 18 18 इंच की। एक्सप्लोड कर देता हूँ, एक्स लगाकर हर तरफ से अलग 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 कर देता हूँ, और मैं इसे ऑफसेट देता हूँ 3 3 का। ये वो शेप है जो आपने सेक्शन एलिवेशन के अंदर बनाना सीखी थी, और मैं यहां पर पॉली लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 1 2 3 4 5 5, और ए लगाएं, ए से आर का आ जाएगी, वापस एल लगा दें 6 7 8 9, और यहां से क्लोज कर दें। अब मॉडिफाइड के ऊपर जाएं, 3D ऑपरेशन, रोटेट 3D, सेलेक्ट करें शेप को, एक पॉइंट ये, दूसरा ये मैंने इसको 90 पे ले आया हूं, तो मैं इसको अपनी तरफ रोटेट कर देता हूँ, ये मेरी तरफ ही रोटेट हो चुका है, और मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप क्या करें, ड्रॉ के अंदर जाएं, सरफेस के अंदर जाएं, टैबलेट सरफेस के अंदर चले जाएं, ये शेप इसके मुताबिक लेकर आ जाओ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, अब वही एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया था वो मेरे पास देखिए इस डिजाइन के अंदर कन्वर्ट होकर आ चुका है। ये देखिए वही डिजाइन मेरे पास इधर भी आ चुका है, यानी कि इस एंगल के साथ, इस लाइन के साथ आपका वही डिजाइन सेम टू सेम निकल कर आ जाएगा। देखिए तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली ये था मेरा इस लेसन के अंदर लॉजिक आपको बताना, मैं आपको ये बताना चाह रहा था आप टैब सरफेस को ऑटो कैट में कैसे यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन कराए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए ड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमसे कंप्लीट ऑटो कैड के कोर्सेज कोर्स की से DVDs लेना चाहते हैं, या हमसे हमने जो आपके लिए मैप कलेक्शन CD तैयार की है वो आप हमसे लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या अगर आपका कोई भी कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इन्हीं नंबर पर इसी ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल क्या करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, और हमारी हेल्पलाइन है 03 43 901 777 9 पे। तो डियर स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।